निकालना है डी बाई डी एक्स। एक्सरसाइज 5.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन आपके मुट्ठी में हो जाए, बढ़िया से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, तो आपको सर्च करने हैं डिफरेंशिएशन बाय आर के सिंह यूट्यूब पे जाकर। कमाल का कॉन्सेप्ट मिलेगा, पूरा फायदा ही फायदा आपको है। तो यहाँ देखिए, ऐसा क्या करें कि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। एक फॉर्मूला समझिए पहले, क्या समझना है आपको। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमको इससे मतलब है कि अगर हम यहाँ कॉस रख दें फॉर्मूला बन जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ से थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे देयरफॉर वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक इनवर्स 1 अपॉन, देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, सेक इनवर्स 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक 2 थीटा हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, दोनों सेम है ना, यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगा तो क्या हो गया, यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या मिल गया, 2 थीटा मिल गया। तो 2 थीटा का मान कितना है बोलिए, कॉस इनवर्स एक्स है। तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 गुने माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। चलिए तो ये हो गया आपका माइनस 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन जब भी बनाएं आप, तो मेरा मानना ये है, जब मेरे वीडियोज़ को आप देखें, तो किसी वीडियो को देखने से पहले कहेंगे कि माइंड में फिक्स कर लें कि इसमें कुछ नया सीखने जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा कुछ नया सीखते हैं। और लास्ट लास्ट तक देखिए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको स्पेशल सिखाते हैं हम। तो अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा से पढ़ें, चैप्टर का नाम सर्च करें बाई आर के सिंह, वेक्टर बाई आर के सिंह, इंटीग्रेशन बाई आर के सिंह, कमाल का कॉन्सेप्ट मिलेगा, लाजवाब कॉन्सेप्ट मिलेगा, और आपके मुट्ठी में मैथमेटिक्स हो जाएगा और अच्छा करेंगे आप। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।